हेलो एवरीवन, मैं हूँ भावना और चटकारे व्यंजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नई रेसिपी इडली डोसा बैटर, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। आप एक ही बैटर से दो चीज़ें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इस बैटर को आप लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चावल लिया है, आधी कटोरी उड़द की दाल, 3 चम्मच पोहा और आधा चम्मच मेथी लिया है। इन सारी सामग्रियों को एक बड़े बॉल में हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बासमती राइस मत लीजिएगा, नॉर्मल राइस ही लीजिएगा। और इन सारी सामग्रियों को हम एक बॉल में डालने के बाद अच्छे से पानी से धो लेंगे। इसे पानी से अच्छे से धोने के बाद इसमें फिर से हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर आधा बाउल पानी लिया है और इसे अब हम गला के 5 घंटे के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, इसे आपको मिनिमम 5 घंटे के लिए गला के रखना ही है। देखिए, हमारे 5 घंटे हो चुके हैं और अब इस मिश्रण को हम एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट करना है इसका। हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। मैंने इसी तरीके से सारा पेस्ट रेडी कर लिया है और अब इस पेस्ट को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 10 से 12 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से खमीर उठ जाए। 12 घंटे के बाद देखिए, हमारा बैटर काफ़ी फूल गया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इडली बनाने के लिए थोड़ा सा घोल एक अलग बर्तन में ले रही हूँ और बाकी बचे हुए को मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इस घोल में मैं अब नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं इसमें। और ये हमारा इडली बैटर बन के बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, इसमें पानी नहीं डालना है हमें और इससे काफ़ी फुली फुली इडलियाँ बनेगी। उसके बाद मैंने सेम बैटर में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इससे हम बनाएंगे डोसा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, डोसा बनाने के लिए हमें इस बैटर में पानी ऐड करना है नमक के साथ, और इडली के लिए हमें पानी नहीं ऐड करना है। इडली बनाने के लिए हमें घोल गाढ़ा रखना है और डोसे के लिए हमें थोड़ा पानी डालना है। तो फ्रेंड्स, हमारा इडली डोसा बैटर बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ढेर सारे चटकारे व्यंजनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।